गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस। इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा, जैसे कि कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं कि इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी अगर कोई सामान अगर आप खरीदते हैं, जैसे अगर आपने 1 किलो चावल खरीदे तो उसकी कॉस्ट, और अगर आप वही क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 2 किलो कर देते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर क्वांटिटी कम करते हैं, 0.5 किलो करते हैं, तो कॉस्ट भी कम होती है। यानी बढ़ने पे बढ़े और घटाने पे घटे, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपये हैं तो इंटरेस्ट मान लीजिए 6,000 मिल रहा है, तो अगर 2 लाख हैं तो 12,000 मिलेगा। जैसे ही अमाउंट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। तीसरा, एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। यानी पहले आपकी स्पीड कम थी तो आप धीरे धीरे चल रहे थे तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब आप ज़्यादा फास्ट स्पीड से चल रहे हैं, जल्दी चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, तो टाइम पहुँचने पे कम लगेगा। यानी ज़्यादा करने पे कम हो रहा है, कम स्पीड रखने पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम का ज़्यादा, ज़्यादा का कम हो रहा है। यानी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। अगर डायरेक्ट होता तो कम करने पे कम होता टाइम लगता, ज़्यादा करने पे ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, स्पीड बढ़ाने पे टाइम कम लग रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ऐसे ही अगर किसी काम को करने के लिए अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाती है तो टाइम काम करने में कम समय लगता है। जितने कम मजदूर होंगे उतने लेट वो किसी टारगेट को पूरा कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो ऑर्डर हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो डायरेक्ट और इन्वर्स में यही आपको सीखना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है कि नंबर ऑफ पेंस है और कॉस्ट है। नंबर ऑफ पेंस को हम एक्स से डिनोट करें और कॉस्ट को वाई से। तो ये पहले कॉस्ट नंबर ऑफ पेंस थे 5, तो उसकी कॉस्ट ही 10। अब पेंस की संख्या यानी x1 इसको माना और x2 पेन की संख्या बढ़ के 15 हो गई। तो अब जनरल सा लॉजिक है कि जब नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी ये बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है। ये एरो से बताया कि ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज होता तो डिक्रीज होती। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस इन सच अ केस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसका जो फॉर्मूला होता है x1 upon y1 = x2 upon y2। यानी इस तरह से नंबर्स को आपको लिख देना होता है। x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। कॉस्ट को y माना था तो ये y1 y2 होगा। नंबर ऑफ पेंस को x माना था तो ये x1 x2 होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है, x1 upon y1 = x2 upon y2। उसमें वैल्यू रखेंगे तो 5 upon 10 = 15 upon y2। तो y2 कॉस्ट मल्टीप्लाई से निकलेगा तो 5 into y2 = 15 into 10 होगा। तो ये 5 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन में चला जाएगा, तो इसकी कॉस्ट जो आएगी 30 रुपीज़ आएगी। तो इस तरह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको x1 upon y1 = x2 upon y2 ये फॉर्मूला लगा के करना होता है। इसी का उल्टा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये स्पीड वाला मैंने एग्जांपल लिया है कि स्पीड ऑफ व्हीकल को अगर हम एक्स से डिनोट करें और टाइम टेकन को वाई से डिनोट करें, तो पहले स्पीड जो थी वो x1 जो थी वो 60 थी, फिर वो बढ़ के 90 हो गई। यानी स्पीड बढ़ी, जब स्पीड बढ़ी है तो लॉजिक है, जनरल लॉजिक है कि टाइम जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे कम लगेगा। तो पहले अगर 2 घंटे लग रहे थे तो अब और कम लगेगा। यानी स्पीड बढ़ने पे टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये चीज़ घट रही है। तो इस केस में क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस डिक्रीज। इन सच अ केस दे आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरह से चलता है, x1 upon x2 = y2 upon y1। ऐसे और ऐसे ही जाना है। इसमें कैसा था, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऐसे आता था, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू, 5 upon 10 15 upon, ऐसे लिखते थे हम y2। यहाँ पे कैसा होगा, इस तरह से चलेगा, x1 upon x2 = y2 upon y1। y1 upon y2 मत करिएगा, x1 upon x2 = y2 upon y1। तो उसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए 60 upon 90 हो जाएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू जो दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए x1 की वैल्यू थी 60, x2 की वैल्यू थी 90, y2 की वैल्यू में नहीं है तो y2 लिखेंगे और y1 थी 2। तो अरेंज कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसका जो आंसर आया 4/3 आया। यानी 1/3 आवर्स उसको यहाँ पे टाइम लगेगा। यानी पहले से कम लग रहा है, स्पीड बढ़ रही है लेकिन टाइम पहले से कम हो रहा है, तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 13.1। इसका क्वेश्चन 1 और 2 आपको बुक में ही करना है। पहले मैं समझा देती हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए, शुगर की क्वांटिटी जो है 1 किलो से 3 किलो हुई तो रेट भी 3 गुना बढ़ेगी, यानी 1 से 3 हुआ। फिर 1 से 5 हुई यानी 5 गुना बढ़ी, तो ये रेट भी 36 × 5 होगा। इसी तरह से 1 की जगह आप 6 kg ले रहे हैं तो ये भी रेट भी 6 गुना बढ़ेगी, तो 216। यानी जितना गुना आइटम बढ़ता है उतना ही गुना रेट बढ़ती है। अगर इसको हम 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 3 से करेंगे। ये 5 गुना है तो रेट भी 5 गुना हो जाएगी, ये 10 गुना है तो रेट भी 10 गुना 360 हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कार पार्किंग चार्जेस दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितने घंटे रखते हैं तो इतने चार्जेस लगते हैं। अब इस पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं वो आपको बताना है। तो देखिए, 4 का टेबल चल रहा है, 4 1 जा 4 2 जा, ये 2 गुना बढ़ा तो रेट भी 2 गुना बढ़नी चाहिए थी, 120 होनी चाहिए थी। फिर ये 4 4 3 जा 12 यानी ये 3 गुना टाइम बढ़ा है तो रेट भी 3 गुना बढ़नी चाहिए थी, यानी 63 जा 180 होना चाहिए। फिर 4 6 जा 30 24 यानी यहाँ से ये 6 गुना बढ़ा है तो रेट भी 6 गुना होकर 360 होनी चाहिए थी, यानी ये रेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये देयरफॉर आंसर इज नो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 1 पार्ट ऑफ पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। यानी 1 था तो पार्ट बी पार्ट ऑफ बेस 8 था, तो आपको बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। तो हमको पता है कि 1 पार्ट में 8 पार्ट बेस था, तो उसी तरह से जब ये रेड पिगमेंट बढ़ाएंगे तो बेस भी बढ़ेगा, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 4 गुना बढ़ा तो रेट भी 4 गुना, सॉरी बेस भी 4 गुना बढ़ेगा। ये 7 टाइम्स हुआ तो ये भी 7 टाइम्स, यानी 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 8 12 जा 96 और 8 20 जा 160। इस तरह से जितना गुना ये बढ़ रहा है उतना ही गुना आपको बेस बढ़ा के लिख देना है। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2। इसी बेस पे अब थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 75 ml बेस चाहिए, तो 1800 ml बेस के लिए कितने पार्ट रेड पिगमेंट चाहिए। तो वो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा, क्योंकि 1 पार्ट था तो 75 ml लग रहा था। अब ml बढ़ रहा है तो पिगमेंट भी बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। चलिए देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट माना एक्स है तो वो 1 था, तो बेस जो था वाई वो 75 ml था। अब बेस 1800 हो गया है तो ये पिगमेंट कितना होगा वो निकालना है। अब पता है कि ये चीज़ बढ़ी तो ये भी बढ़ेगी, क्योंकि बेस हमने बढ़ाया है तो रेड पिगमेंट भी तो बढ़ेगा। तो इसलिए ये कौन से प्रोपोर्शन में होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसका हमारा फॉर्मूला था x1 / y1 = x2 / y2। x1 1/75 और x2 / 1800 हमने लिख के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आया वो 24 पार्ट्स आया। तो इस तरह से आपको टेबल बना लेना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखे, इस तरह से ही वैल्यू रखी जाती है इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 पार्ट्स इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 24 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, 6 घंटे में 840 बॉटल भरती है, तो वो 5 घंटे में कितनी बॉटल्स भरेगी वो आपको बताना है। तो हमने नंबर ऑफ बॉटल्स दिया था और टाइम दिया हुआ था, टाइम टेकन टू फिल इट, तो ये 2 कॉलम बना लिए, ये एक्स है ये वाई है ये इन आवर्स में। अब 840 बॉटल 6 घंटे में भरती थी, अब टाइम कम हुआ है यानी टाइम जो है 6 घंटे से 5 घंटे हुआ है, तो बॉटल भी कम ही भरेगी, यानी टाइम कम करने पे बोतल जो फिल कर रहे हैं उसकी संख्या भी कम होगी। ये कम हुआ, ये यहाँ पे कम है तो ये बढ़ा है, तो ये भी यहाँ पे कम होगा तब जाके ये बढ़ेगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। 6 घंटे में कोई काम अगर हम 840 भर रहे हैं तो 5 घंटे में उससे कम बोतल भरेंगे, टाइम कम है तो बॉटल्स भी कम भरी जाएंगी, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो x1 / y1 = x2 / y2, वही वैल्यू रखनी है, 800 840 / 6 = x2 / 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 × 5 हो जाएगा और 6 × x2 हो जाएगा। अब ये 6 इधर डिवीजन में जाएगा तो काटेंगे तो 140 × 5 यानी 700 बॉटल्स आएगी, यानी 5 घंटे में 700 बॉटल्स भरी जाएंगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, टाइम कम करने होने पे बॉटल्स भी कम होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेंड्स अ लेंथ ऑफ 5 cm एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है कि उसको हम जूम करके देखते हैं फोटोग्राफ को, तो उसकी लेंथ 5 cm होती है जब 50,000 गुना बड़ा करते हैं, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी वो आपको बतानी है पहले। तो एक क्वेश्चन ये है, दूसरा है कि अगर फोटोग्राफ को हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करें तो उसकी लेंथ क्या होगी। यानी इसमें दो क्वेश्चन है,
एक तो एनलार्ज लेंथ लिखनी है और दूसरी लेंथ लिखनी है इन सेंटीमीटर। तो एनलार्ज कितने टाइम्स, ये एनलार्ज हमने टाइम्स के हिसाब से किया है, TIMES कितने टाइम्स किया है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। तो ये 50,000 टाइम करने पे 5 गुना 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती थी। अब एक्चुअल लेंथ पूछी है, एक्चुअल लेंथ यानी अब उसको एनलार्ज करना ही नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा रखना है, तो उसको 1 ही रखेंगे। तो उसकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या होगी, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन इसके रेफरेंस में है कि 50,000 करने पे 5 सेंटीमीटर अगर लेंथ होती थी तो 20,000 करने पे लेंथ कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन जब इन दोनों में ही आप देखेंगे कि जैसे ही हम पहले हमने एनलार्ज ज़्यादा किया था तो लेंथ भी ज़्यादा आई थी, अब एनलार्ज कम कर रहे हैं तो लेंथ भी कम आएगी, यहाँ पे भी एनलार्ज कर ही नहीं रहे हैं तो ओरिजिनल लेंथ जो होगी वो कम ही होगी, वो बड़ा करने पे वो 5 सेंटीमीटर का दिख रहा था। तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है, उसमें एक्चुअल बेस लेंथ ऑफ एक्चुअल जो लेंथ उसकी मानी हमने वाई टू मानी, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, ये एक्स थ्री, ये वाई थ्री, जितने आए वैसे हम ले सकते हैं। तो अब पहले तो इसको तो नहीं सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन वाई टू करेंगे तो 50,000 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 50,000 इंटू वाई टू 1 इंटू 5, ये 50,000 नीचे जाएगा, कटिंग करने पे 1 अपॉन 10,000 आएगा। 10,000 में 4 जीरो हैं तो 1 अपॉन 10 रेज टू 4, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -4, यानी एक्चुअल लेंथ जो होगी बैक्टीरिया की वो 10 रेज टू -4 सेंटीमीटर होगी, जो कि एनलार्ज करने पे 5 सेंटीमीटर होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एनलार्ज लेंथ y3 है, यहाँ टेबल में देखते हैं, अब ये बीच वाला पोर्शन आपको छुपा लेना है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर 50,000 थी तो 5 था तो 20,000 पे y3 कितना होगा, ये x1 y1 और x3 y3 को हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। अब इसके हिसाब से y3 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन y2 सॉल्व हो गया, तो ये x3 y3 वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो उसका आंसर आएगा, 0 से 0 और 5 से 5 कट जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आएगी। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें दो क्वेश्चन मिक्स थे जो कि आपको करने थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया, मैं दिखा देती हूँ फिर से, ये उसका आधा फर्स्ट वाला पार्ट और ये इसका सेकेंड वाला पार्ट। तो इतना काम आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है, फिर 6 to 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है आपको, कि किस फॉर्मूले में, किस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लगाएंगे, कम का कम, ज़्यादा का ज़्यादा। एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो वाई भी कम हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई कम हो रहा है या फिर वाई की वैल्यू बढ़ाने पर एक्स कम हो रहा है, ऐसा उल्टा कुछ भी हो रहा है, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 और x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, ये दो फॉर्मूले याद रखने, उसके हिसाब से टेबल बना के वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।